अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अरब व्लॉग्स। गाइस आज सवेरे से शाम तक इधर सऊदी अरब में जो भी ड्राइवर काम करता या मैं इधर जो ड्राइविंग में काम कर रहा हूँ, जो लोग आना चाह रहे उसके लिए है ना, थोड़ा बहुत मालूम पड़ता ड्राइवर में क्या क्या काम करना पड़ता है, लोग क्या क्या काम कराते हैं। ठीक है, हर ड्राइवर आके एक ही काम नहीं करेगा, हर घर का अलग ड्यूटी रहता। मेरा पहला रूटीन है, अभी बज रहा 6:45, अभी मैं ड्यूटी निकल रहा हूँ। आप देखते रहो मेरा लास्ट तक, मेरा पूरा वीडियो बगैर स्किप किया, और मेरे चैनल को आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा अरब ब्लॉग्स करके, उसको सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करो। आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है गाइस, प्लीज सपोर्ट करो मेरे को। अभी मैं जा रहा हूँ कफील के घर पे, उसके बच्चों को जो मदरसे को जाना है। फर्स्ट दो लड़के हैं मेरे कफील को, वो दो बच्चों को पहले मदरसा छोड़ने जाना। सऊदी के बच्चों को कैमरे में नहीं लेके आ सकते, मैं उनको उतार के जहाँ पे मैं मदरसे जाता हूँ वहां से शुरू कर। मदरसा बोले तो इधर स्कूल के लिए मदरसा बोलते। सवेरे और दोपहर में बहुत ही ट्रैफिक रहता, इधर से निकल के जाने के बाद ट्रैफिक मालूम पड़ता। अभी थोड़ा थोड़ा करके ट्रैफिक शुरू हो रहा, मैं आया पास में हूँ अभी। अब देखते रहो मेरे वीडियो को और लाइक करते रहो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो अगर कुछ भी अगर पूछना है, कोई भी डाउट है ड्राइवर का। और ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, या कोई भी आने वाला है ड्राइवरिंग में क्या क्या ड्यूटी रहता है, क्या क्या करना पड़ता सब मालूम पड़ता। ठीक है, आ गया मैं अभी, थोड़े टाइम में निकल के आते। जैसे मैं इधर से निकल के वो मदरसे स्कूल के पास जाके मैं आप लोगों को बताता हूँ। गाइस हम लोग आ गए, गेट के सामने ही रुका के इन लोगों को भेज सकते हैं। ठीक है, यही हो गया स्कूल इन लोगों का, दो बच्चों को उतार दिया। अभी जाना पड़ेगा वापस से, और एक लड़की है ठीक, लेके जाके उसको भी छोड़ना पड़ेगा। आप लोगों को बताता हूँ इन लोगों का स्कूल कैसे रहता है। इन लोगों का स्कूल हो गया, ये देखो स्कूल है, लो बस बच्चों का है। तो स्कूल है, इसमें जो राइट साइड नजर आ रहा, राइट साइड में जो नजर आ रहा वो आके बच्चों का है, सेवेंथ स्टैंडर्ड के बाद में। सेवेंथ से पहले जो भी है ये लोग जो और एक बाजू में है वहां पे जाते। चलो वापस से जाएंगे उसको लेके जाके छोड़ना, मैं उधर का बताऊंगा। ठीक है, आप देखते रहना, आज सवेरे से शाम तक जो भी मेरा ड्यूटी है पूरा ड्यूटी का मैं तुम्हारे को रूटीन बताता हूँ, आपको पसंद आया तो बताना। ठीक है, मैं वापस से दूसरा रूटीन भी बताऊंगा। हर दिन दूसरा ड्यूटी होता, हर दिन एक ही ड्यूटी, सेम ड्यूटी नहीं है, हर दिन नहीं ना दूसरा दूसरा काम होता। गाइस आ गए अभी, एक लड़की को उतार दिए, अभी वापस से दो लड़कियां, एक लड़की जो उसकी खुद की कार है उसमें चले जाती थी, कॉलेज को जाती वो, और एक है यूनिवर्सिटी कॉलेज डॉक्टरी पढ़ती, उसको भी लेके जाना पड़ता मदरसे को। पहले कफील की बीवी को पूछ लेंगे वो कितने बजे जाती करके, क्योंकि हमारे को नाश्ता करने जाना पड़ता, अभी बज रहा 7:30। हेलो मैडम, दिन 8:00 शिविल को ना होता ही मैडम जो बताए अभी आ जाओ करके, अभी जाती है। और एक लड़की जो है वो भी जाएगी कॉलेज पे, उसको छोड़ के आना पड़ता है। जब वो गाड़ी में बैठते हैं हम लोग वीडियो नहीं बना सकते, सऊदी को कोई भी हम लोग वीडियो में नहीं ले सकते। मैं सोचा थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेंगे, अभी बजा 7:30, नाश्ता इश्ता करके जाएंगे घर। इधर जब टाइम मिलता जब भी नाश्ता खाना पानी ड्राइवर में जो भी रहता कर लेना पड़ता, फ्री जब रहते हैं जब भी काम कर लेना पड़ता, बाद में काम कब आता गारंटी नहीं, इन लोगों का कब फोन आता जब जाना पड़ता। बहुत सारे बच्चे अगर है ना वो उस घर में काम के लिए नहीं आना भाई, अगर काम के लिए आए तो घड़ी घड़ी में फोन आता, 10-10 मिनट 5-5 मिनट में एक उतारी, एक लड़की अगर गई तो दूसरा फोन आता, दूसरी गई या तीसरा फोन आता, ऐसा बहुत सारा ड्यूटी का लग जाता।
टाइम ही नहीं मिलता खाने पीने का, और इनके साथ झगड़ा करके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि अपना कंट्री नहीं है ये, खुद का इन लोगों का ही कंट्री है, इन लोगों का ही बात चलती है। इनसे झगड़ा करके कुछ फायदा नहीं। जब बाहर लोग हम आ गए काम करने, जब पहली बार जब आते, दो साल के लिए चुपचाप काम करना पड़ता, सबर करके, कितनी भी तकलीफ दो सबर करके करना पड़ता। और कुवैत हो या खतर हो या दुबई हो, इस तीन कंट्री में या गल्फ कंट्री कोई भी दूसरी कंट्री में ले लो, अगर गए ना हम लोग तो वापस कभी भी आ सकते हैं, वापस कभी भी आ सकते हैं। क्यों? उधर पासपोर्ट भी अपने पास ही रहता, पसंद आया तो कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो है ना हमारा खुद का पैसा लगा के आ सकते हैं। इधर ये सिस्टम नहीं है। सऊदी अरब में जो कोई भी आता वो दो साल के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो आने के बाद 50%, अभी रूल्स नहीं है वो, फिर भी थोड़े बहुत 50% लोग ले लेते हैं, मतलब के 50% लोग पासपोर्ट ले लेते हैं, पासपोर्ट लेके रख लेते हैं एयरपोर्ट से, पासपोर्ट ले लिए तो खत्म समझो, दो साल हम लोग किधर भी नहीं जा सकते, चुपचाप इधर ही काम करना पड़ता, दो साल होने के बाद घर जा सकता आदमी। गाइस हम लोग आ गए अभी कॉलेज में, उसको उतार दिया मैं, ठीक है, वापस से अभी जा रहा हूँ मैं नाश्ता करने। आपको बताता हूँ इधर का यूनिवर्सिटी, किंग सऊद यूनिवर्सिटी है, सऊद यूनिवर्सिटी। ये देखो गाइस ये आके रहेगा यूनिवर्सिटी, किंग सऊद यूनिवर्सिटी है ये। इधर सामने जो भी आदमी लोग दिखेंगे, जो ये पार्किंग है, बस औरत लोग गाड़ी जो भी है पार्किंग है अंदर, वो उन खुद उनका है, जो पढ़ रहे इधर उन लोगों का पार्किंग है, जो इधर इस साइड में पार्किंग है वो पूरा आके ड्राइवर लोग रुके हैं। देखो जो भी उतार रहा है इधर पार्किंग के लिए रुक जाते हैं। उधर मस्जिद है राइट साइड में, उस मस्जिद में जाके कोई बैठ जाता, थोड़ा बहुत सो जाता, कोई बहुत नींद नहीं होके रहते ना, सवेरे सवेरे उठते हैं वो लोग, सो जाते हैं इधर पे। बहुत लोग जो है आते छोड़ के वापस चले आते। अभी मैं जा रहा हूँ अभी नाश्ते के लिए, ठीक है, मैं आपको उधर बताऊंगा नाश्ता उसी होटल में जाके करता हूँ। गाइस हमारे को, हम लोग आ गए अभी होटल पर, जाएंगे अभी नाश्ता करने, इसी होटल में नाश्ता करना पड़ेगा, जाएंगे अंदर। बहुत भीड़ रहती सवेरे सवेरे होटल में, गाइस सवेरे सवेरे होटल में बहुत भीड़ रहती। चाय के लिए देखो इतनी भीड़ है, उधर पार्सल लेने के लिए खड़े लोग, पार्सल कैश काउंटर कैश काउंटर, हम लोग जो अभी ऑर्डर देना है, क्या मंगाता हूँ देखो, ठीक है। पूरी है ये, एक प्लेट पूरी ले लिया। गाइस आप लोग भी आओ नाश्ता करेंगे, हो गया खा लिया अभी फिलहाल हम लोग। ये हमारे चेटा है केरला वाले, कितना चेटा बिल है? 6.5 रियाल हुआ भाई। ले लिया गाइस अभी थोड़ा चाय की पी के निकलेंगे, कुछ सामान चाहिए लेना है। मैडम फोन कर दी, नाश्ता कर लेके बैठा था, फोन कर दी वो, उसको जाके थोड़ा सामान लेना, ली मार्ट में जाओ करके बोली है, ली मार्ट में जाके उसके फोन करके उधर बताता हूँ क्या लेकर जाता हूँ। ये है ली मार्ट, ली मार्ट को है, अभी सामान लेंगे जाके जो सामान बताई वो। ये हो गया इधर का छोटा दुकान है, हमारे को लेना था ये जातर, जातर इसको बोलते है जातर। गाइस अभी फिर वापस से जाना पड़ेगा, फिर दूसरा आइटम बता दिए, मगर इधर तो नहीं मिलेगा, ठीक है, इधर नहीं मिलता तो जाना पड़ता तमीमी को, एप्पल और लेमन लेके आओ बोली, नींबू और सेब, ठीक है, उसको भी लेके आना पड़ता। जा रहा हूँ उधर पे, देखते रहो तुम, एक लाइक कर दो भाई, एक लाइक कर देना मेरा वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आपको मैं अपलोड किया था आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो को, ठीक है, चलो चलते हैं। बस अभी हम आ गए तमीमी में। गाइस ये हमारे को ले लिए अभी लेमन और टोस्ट ब्रेड ले लिए, एप्पल नहीं मिला, एप्पल है मगर बहुत ही महंगा है, 18 रियाल करके बता रहा,
छिले दूसरी जगह कम जहाँ पे है वहाँ पे लेके, ज्यादा अगर ले लिए तो हम, मेरे घर में है ना पैसा अगर ज्यादा है तो वापस भी कराते हैं, इसीलिए देख के दूसरी जगह लेना पड़ता। फिर वापस से फोन आया, कुछ मिंट लेके आओ। मिंट बोले तो पुदीने, पुदीने को बोलते हैं। ले लिया गाइस, ये सेब मिल गया और पुदीना हो गया। चलो हिसाब कराएंगे। अल जजीरा एक्सप्रेस करके 24 आवर्स खुला रहता है, इसी में ले लिया एप्पल और पुदीना। अरबी में पुदीने को नाना करके बोलते हैं, नाना। अभी चलो चलेंगे जाके इसको देखे रूम पे, जाके थोड़ा बहुत रिलैक्स करेंगे। आ गए अपने कफील के घर पर, ये है फर्स्ट फ्लोर में रहता है ये। चलो अपना गाड़ी हो गया ये ब्लैक कलर का, अभी सामान लेके देखे आएंगे। गाइस मेट्रो जा रहा, देखो बस चेकिंग चल रहा है, अभी चालू नहीं हुआ सिटी में। गाइस सवेरे 6:45 पे निकला मैं, अभी बज रहा है 9:30। मेरे को अभी 10:15 में निकलना है वापस, वो कॉलेज वाली लड़की को लेके आने जाना। सामान तो देके आ गया, अभी जा रहा हूँ रूम पर, थोड़ा बहुत रिलैक्स करेंगे, उसके बाद फिर वापस से जाना पड़ेगा। जो कोई भी देख रहा मेरा वीडियो, जो ड्राइवर में आना चाह रहा, उसको इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा इसको ये। अभी वापस से मैं चालू करूंगा, 10:15 में मैं जहां पे जाता हूँ आप लोगों को लेके जाऊंगा वहां पे, वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलो 10:15 हो गया, अभी निकले किंग साउथ कॉलेज के लिए, जाके लड़की को लेके आना कॉलेज के लिए। स्टार्टिंग से किंग साउथ कॉलेज कैसे रहता, स्टार्टिंग से मैं वहां से एंट्रेंस से ही बताता हूँ तुम्हारे को। हम लोग आ चुके हैं अभी कॉलेज के पास में, अभी एंटर होना पड़ेगा, आपको बताऊंगा मैं आगे जाके। किंग साउथ कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, तो डॉक्टरी जो भी पढ़ते हैं वो लोग इधर आते किंग साउथ कॉलेज में। और दूसरी जगह भी है बहुत सारा, जामा नूरा करके है एक, उधर भी जाते हैं लोग। आगे से हमारे को आ गया, अभी जो राइट साइड का जो नजर आ रहा यही है किंग साउथ कॉलेज, जाने वाले हैं राइट। जितने लोग भी आगे, देखो कितने सारे ड्राइवर मिल जाएंगे, बहुत सारे ड्राइवर मिल जाएंगे इधर पे पार्किंग में। कोई रुक के रहता या कोई आधा घंटा पहले आकर रहेगा, हाफ आवर पहले कोई आके रहेगा या 1 आवर पहले आकर रहेगा, या अपोजिट जो नजर आ रहा है ये दूसरा मेडिकल कॉलेज है मगर हायर स्टडीज। ये आगे जो राइट साइड में आ रहा ये आके रहेगा गेट नंबर 2, मेरे को जाना गेट नंबर 3। गेट नंबर 3 पे जाना मेरे को अभी। ये जो राइट साइड में नजर आ रहा जो गाड़ियां खड़े, ये आके गेट नंबर 2 है। बस मेरे को जाना राइट में, मगर इधर से नहीं, मैं पार्किंग से पिकअप करता हूँ कभी भी। अपोजिट में आप लोगों को दिखेगा, देखो उधर गाड़ियां जो जा रहे हैं, मैं उस रोड से जाके पिकअप करना पड़ता, उधर ट्रैफिक जाम हो जाती, इसलिए उधर जाता नहीं मैं। पिकअप पॉइंट आके मेरा, मैं पार्किंग में उसको बोल के रहता हूँ पहले ही, पार्किंग पे आ जाओ करके। पार्किंग में वो इधर ही आती गेट नंबर 3 अपोजिट में, मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी बच रहा 10:30 हो गया, ये हो गया गेट नंबर 3। आगे हम लोग पहुंच गए, ये बहुत सारे इधर से पिकअप करते लोग, आपको बताता हूँ। देखो ये हो गया गेट नंबर 3, दिख रहा आपको? अभी चलो आप देखते रहो, आपको ऐसा अब अभी देखते रहना, मैं आप लोगों को इसको उतारने के बाद जाके बताता हूँ। इन लोगों को वीडियो में नहीं लेके आ सकते, ठीक है, घर पे उतारने के बाद। और दूसरा कहाँ पे जाना और क्या ड्यूटी रहेगा आप लोगों को बताते रहूंगा। अब आखिर तक मेरा वीडियो देखो और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ठीक है। लड़की को उतार दिया अभी, वो कॉलेज वाली को किंग साउथ को से लेके आके घर पे छोड़ दिया। अभी जाना है बच्चों को लेने, 10:15 में उधर पे गया था मैं, वापस कब आया 11:30 में। इधर का टाइम भी देखते रहो तो ध्यान से, कितने टाइम से कितने बजे तक हम लोग काम करते हैं इन लोगों का। अभी जाना
अभी 11:30 बज रहा ना, बच्चे आके दोनों लड़के सवेरे जो छोड़ा था वो लोग 12 बजे निकलते, जाके ऐसा ही उधर वेट करते रहेंगे जब तक बाहर आ जाते हैं वो लोग। बच्चों को लेकर आ गया गाइस, अभी चलेंगे। गाइस हम लोग बच्चों को उतार दिया लेके आके, अभी जा रहा हूँ एक लास्ट लड़की को लेना है 1:15 बजे। अभी बज रहा 12:20, अभी इधर पार्किंग लगा के रूम पे चले आता हूँ। 10 मिनट होता तो जब भी मैं बाहर आता, मेरे रूम के बाजू पीछे चे मदरसा, आप लोगों को बताऊंगा वो भी। गाइस ये जो नजर आ रहा राइट साइड में जो दिख रहा वो आके मदरसा है। लड़कियों का अलग रहता और बच्चों का अलग रहता, लड़के का अलग रहता। इस पार्किंग है, ये पूरा एरिया पार्किंग है, मैं पार्किंग में लगा के अभी चले जाता हूँ रूम पर। 10 मिनट जैसे है जब मैं वापस आता हूँ। चलो देखते रहो आप वीडियो को और एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, कमेंट कर देना कोई भी अगर अच्छा लगा तो तुम्हारे। ये हो गया लड़कियों का मदरसा, मतलब के 7th स्टैंडर्ड से उस साइड रहेगा वो लास्ट में, ये 7th से पहले रहेगा। मेरे को उधर जाना पड़ता उस एंडिंग में, उधर बताता हूँ रुको, उस साइड में जाके। ये जितना भी पार्किंग लगा है कार लाइन से, ये पार्किंग के लिए है, जो भी आए इधर लेके कार में निकलने के लिए। क्या कहेंगे इस जगह में, इधर एक माइक रहेगा जो लिखा हुआ है ना रबी में गेट नंबर 1 करके, उधर एक आदमी बैठ के रहता, उधर ड्राइवर लोग सब लोग उधर ही रुके हैं, माइक में उधर बुलाना पड़ता तो जब भी वो बाहर आते हैं। आपको बताता हूँ, आप देखते रहना आज का ड्यूटी, ये लास्ट है मेरा, इसको लेके चल गए तो खत्म। उस पीछे उस साइड में बच्चों के लिए है, इस साइड बड़े वालों के लिए है। ओके गाइस सब लोग इकट्ठा हो गए, वो देखो माइक में एक 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 बुलाते रहेंगे जब तक मीटिंग चलते रहती, सब ड्राइवर लोगों की इधर बातचीत चलते रहती, जब टाइम आ जाएगा सब लोग बुला के उधर से एक 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 निकलते हैं। गाइस अभी बज रहा 1:40, ठीक है हम लोग, मेरा ड्यूटी अभी खत्म हुआ, अभी जब भी फोन आएगा जब भी रिटर्न आना पड़ेगा, अभी ड्यूटी खत्म। सब लोगों को मदरसे को भी छोड़ के मदरसे को भी लेके आ गया, 1:40 तक मेरा ड्यूटी खत्म होता। हर दिन नहीं, हर दिन चेंज रहता, एक एक दिन एक एक टाइम रहता इन लोगों का। अभी मेरे को जाना थोड़ा पुदीना लेना रूम में, अदरक और पुदीने की चाय बना के पीता हूँ मैं, जाके पुदीना लेके सीधा रूम में जाके खा के अभी सो के फिर 4 बजे या 5 बजे ही आना पड़ेगा। जब भी फोन आता जब आता हूँ, आज का जो भी रूटीन है सुबह से शाम तक जो भी काम करता हूँ मैं, आप लोगों को बताते रहूंगा। आप मेरा वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक देखना। आप लोगों को जो कोई भी इंडिया से देख रहा, कोई भी ड्राइवर का काम के लिए आना चाह रहा, आप लोगों को पता चलता है कि क्या क्या हम लोग काम करते। पैसा कमाने के लिए इधर इंसान आता तो क्या क्या काम करना पड़ता। ऐसा नहीं कि आप ड्राइवरी में आओ, कंपनी के इसमें भी आ सकते हैं। मेन मसला क्या है, कंपनी में थोड़ा बहुत पगार सही टाइम पे नहीं मिलती। इसमें क्या है तो टाइम से पहले मिल सकती पगार, और कफील को बता के ले भी सकते हैं, जल्दी भी ले सकते हैं, भाई मेरे को जरूरत है थोड़ा 1-4 दिन पहले दे, ठीक है करके कोई कोई है दे देता, कोई कोई नहीं देता। 50% लोग देते हैं, 50% लोग नहीं देते समझो। चलो मेरे को पुदीना लेने के लिए जाना, उसके बाद मैं रूम पे जाता हूँ। वापस से जब मैं आता हूँ, फोन जब आता वापस से मैं वीडियो चालू करके आप लोगों को बताऊंगा क्या। हाय गाइस वापस से ड्यूटी जा रहा हूँ, अभी फोन आया, अभी बज रहा रात के 7:30, 7:30 बज गया, ठीक है अभी ड्यूटी जा रहा हूँ। जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बताऊंगा, आप देखते रहना मेरा वीडियो को, जहाँ पे जा रहे बताता हूँ। उधर जाके वेटिंग ही करना पड़ता, ड्राइविंग काम में अगर है तो हमारे को आधा घंटा या 1 घंटा उधर पे वेट करना पड़ता। आप देखते रहना मेरा वीडियो को। अभी 8 बज रहा, माँ और 3 भी बेटियाँ है ना, निकल के मेरे साथ थे, इस पर आए एंदलुस माल करके है इधर पे, वो एंदलुस माल पे आए सब लोग। अगर माँ आई तो ही लड़कियाँ का ड्यूटी रहता, अगर माँ नहीं आई तो मेरे को लड़कियों की ड्यूटी नहीं रहता, क्योंकि लड़कियों के पास गाड़ी है, वो खुद वो चले जाते हैं, ठीक है। और आपको बताता हूँ एंदलुस माल कौन सा है, देखो आगे है। आधा 1 घंटा इधर ही रुकना पड़ता, उसके बाद में मेरे को इधर से
ख़त्म, आज का ड्यूटी ख़त्म हो जाता। मैं जैसा ख़त्म होता हूँ बताता हूँ, और कुछ सामान चाहिए तो लेके आके देखे ख़त्म होता। ठीक है, आप लोगों को अंदर जाके बता सकता हूँ मगर फ़ायदा नहीं जाने का, बस औरत लोग रहते हैं, औरत लोग को हम वीडियो में नहीं लेके आ सकते क्योंकि इधर पहले ही मना है, औरत लोगों को कोई भी लेके नहीं आ सकते। जब मैं गया दोपहर में, समझो कि 2 बजे शायद गया मैं, 2 बजे हुआ रूम पे जाने तक, रूम पे गया, उसके बाद खा पी के सो गी के आराम से उठ के, क्योंकि सवेरे हम लोग उठते ना, तो इसीलिए लोग रात में ही फ़ोन आता। हर दिन एक एक ये रहता, समझो हर दिन में, हर दिन टाइम चेंज होता, कभी बच्चों का ट्यूशन भी है, ट्यूशन को भी जाना पड़ता, लेके जाके छोड़ के फिर उनको लेके आना पड़ता, अगर नहीं तो रूम पे ही रहता, अगर फ़ोन आया तो ही जाना पड़ता, नहीं तो जो भी इधर ड्राइवर ही काम करता, फ़ोन नहीं आया तो आराम से रूम पे रहना पड़ता। आप देखते रहो गैस मेरा वीडियो को पूरा, आज टोटल सवेरे से शाम तक क्या ड्यूटी है आप लोगों को बताते रहूँगा, और थोड़ा बहुत ड्यूटी है उसके बाद में ख़त्म होता, एंड करते समय भी आप लोगों को बताऊँगा। देखते रहो आखिर तक मेरा वीडियो, अभी वेटिंग पर हूँ, कितने बजे आते वापस, जब निकलते हैं आप लोगों को बता के निकलूँगा। ठीक है गैस, वहाँ से एंदलुस माल से निकल गए, ये निकल के ममला का टावर है ना इधर पे आए, उधर पार्किंग के लिए जगह नहीं रहता, उधर हम लोग गाड़ी खड़ा नहीं सकते, इसके पीछे ही खड़ा सकते हैं, तो इसलिए मैं इधर आ गया, आप लोगों को इधर का पीछे का ये दिखाता हूँ, उधर ही जाके बताता हूँ उनको कहाँ पे लोग गए। ये लोग को क्या है मालूम, ड्राइवर है घर, ड्राइवर तो है, कुछ खरीदने तो नहीं जाते, ऐसा ही चुप घूमने के लिए जाते हैं, कुछ काम तो होता नहीं। अभी बज रहा 8:30, 9 या 9:30 तक घूमते हैं, फिर वापस से आते हैं, लेके जाके छोड़ के फिर रूम पे चले जाना, उतना ही काम है। मैं बताता हूँ, ये सऊदी अरब का मेन ममला का टावर है, मेन रियाद का यही मेन सिटी है, इसमें कंपनी, होटल्स और बहुत कुछ कंपनियाँ है, मॉल है अंदर इस पर, आप लोगों को बताता हूँ। देखो सेंटर से ये लाइटिंग ही लाइटिंग रहता है, सऊदी अरब में रात में अच्छा लगता, रात में कहीं पर भी जाओ लाइटिंग ही लाइटिंग रहती है इधर पे, इधर वीआईपी लोग, वीआईपी आदमी लोग आते हैं, अगर उधर से जो ऊपर तक ड्राइव कर सकते हैं, ऊपर जो नज़र आ रहा ऊपर तक भी कार पार्किंग है उधर पे, मतलब कि ऊपर यानी सबसे ऊपर नहीं, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक भी हमारे को एंट्री है, होटल जो भी बुक करता वो उधर जा सकता। मैं इधर क्यों आया, इधर आप लोगों को दिखाने के लिए आया, इधर पे लिखा होगा देखो किंगडम सेंटर करके लिखा होता है इधर पे हर जगह, और ये बहुत टाइट जगह है, ये लोग हम लोग इधर खड़ भी नहीं सकते, आप लोगों के लिए मैं आया। ये देखो ममला का टावर, 4 सीजन होटल है, इधर पे लिखा होगा देखो 4 सीजन होटल प्राइवेट एंट्रेंस, डियर गेस्ट विजिटर्स टू एक्सेस किंगडम सेंटर शॉपिंग मॉल प्लीज यूज ओलाया स्ट्रीट। वो उधर से ओलाया स्ट्रीट बोले तो अपोजिट जो नज़र आ रहा रोड वहाँ पे है, ठीक है, कोई सऊदी जरा देखो, ये भी शायद अंदर ही से अंदर ही जा रहा, वो अंदर गेट है बाजू में, ये आके जो मैं बताया वो होटल है। ये देखो कितना साफ सफाई रखते हैं, इधर कोई बैठता भी नहीं, लोगों को बताता हूँ उधर का, ये हो गया नीचे जो है ये भी पार्किंग है, पार्किंग है, ये पीछे का गेट है, वहाँ से अगर गए ना पीछे का गेट भी है, ये कैफे है, कैफे कैफे बताता हूँ आप लोगों को, उधर से भी कोई गाड़ी आ रही थी, ऊपर से ही आ रही है मर्सिडीज बेंज कोस्टा करके है, देखो अंदर बैंक सब कुछ मिलेगा इधर पे, सब सब एटीएम है अंदर, डॉनकिन डोनट्स। गाइस मैं मॉल के अंदर आ चुका हूँ अभी फिलहाल, अंदर आने के लिए देते हैं, मुश्किल ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं वापस जाता हूँ इधर से, सऊदी का जो कपड़ा मिलता है इधर पे मिलता, देखो जुब्बा जो ये भी मिलता,
ये हो गया डॉनकिन डोनट्स इधर का, अंदर कैफे बैठने का सिस्टम है। कोई टैक्सी आके रुका है, पिकअप के लिए आया, ये रुक के है अभी तक। गाइस अभी बज रहा 10 बज गया, ठीक है। मैं वेटिंग में गाड़ी में ही बैठा था, इधर ड्राइवर के काम में रहे तो वेटिंग करना पड़ता बहुत टाइम तक। अभी निकल रहा हूँ, 10 बज गया, इनको लेके जाके छोड़ के आपको वहाँ से बात बताता हूँ, ठीक है। क्या इन लोगों का कुछ सामान मंगाना है तो सामान को भी लेके आके देना था, लेके आके देना पड़ता कुछ घर का सामान अगर मंगाए तो। अभी चलो चलते हैं, आप आखिरी वीडियो तक देखते रहो। उन लोगों को पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ, मैं पार्किंग में पीछे खड़ा था ना, तो पूरा घुमा के आना पड़ता, ममला का घुमा के आना पड़ता। इधर ट्रैफिक बहुत ही है, आगे जाके राइट लेके फिर वापस से राइट लेना पड़ेगा। आप मेरा वीडियो देखते रहो आखिरी तक, और मेरे वीडियो में अगर कोई भी चीज अच्छी लगी तो एक कमेंट, अच्छा सा कमेंट करो, लाइक कर दो वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। जो ये जो अपोजिट में जो आ रहा है ममला के आगे ओलाया मॉल करके है, ओलाया ये इधर भी जाते हैं, कभी इधर गया तो इधर का भी वीडियो बताता हूँ। इधर अंदर तो जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जा सकते कोई भी, मगर मैं अंदर गए तो फायदा नहीं, कैमरा वीडियो पकड़ने कोई भी नहीं देता उधर, इसीलिए अंदर जाता नहीं मैं उधर। अंदर अगर गए तो भी कुछ भी फायदा नहीं होता ना करके, इसीलिए मैं जाता नहीं। चलो अभी चलते हैं, अभी यहाँ से ये आके रेड सिग्नल में भी जा सकते हैं, मगर 2 मिनट खड़ के जा सकते हैं, ये फ्री राइट है। इधर अभी लिखा है देखो ग्रीन सिग्नल दिया। चलो हम लोग आ गए, अभी राइट ले लिया तो वो लोग खड़ के रहेंगे, मैं इधर तक ही वीडियो बता सकता हूँ, उनके आगे वीडियो में ले नहीं सकता, ठीक है। अब वो घर के पास जाके आप लोगों को बताता हूँ। चलो आ गया, अभी वो लोग उधर खड़ के रहेंगे, यहाँ से पिकअप पॉइंट है ये इन लोगों का। गाइस हो गया अभी 10:40, अभी टोटल पूरा ड्यूटी खत्म है। कल सवेरे फिर वापस से सेम ड्यूटी रहेगा, मतलब मदरसे का ड्यूटी रहेगा, और चेंजेस उसमें बहुत कुछ रहेगा, दूसरा सामान लेना पड़ता और बहुत कुछ चीज़ें अलग रहेगी, हर दिन ड्यूटी चेंज रहती। ये अपना दोस्त का रूम है, ये आबिद का रूम है, उसके साथ थोड़ा बहुत 2 मिनट बात करके जाके रूम में खाना खा के सो जाएंगे, सवेरे उठना पड़ेगा फिर वापस से। शुक्रिया गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू।